मुद्दा इस बार मतलब पप्पू यादव 4 लाख वोट से पूर्णिया को जीत रहे। पप्पू यादव जीतेगा, गरीबों का काम करता है। मुद्दे पर सब 10 साल से देखिए रहे हैं, सब खाली पार्टी बदल रहा है, इधर से उधर कुछ काम नहीं कर रहा है। अब पूर्णिया का धरती का पप्पू यादव है। अब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया लोकसभा सीट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और इस वक्त हम मौजूद हैं जलालगढ़ में। जलालगढ़ कस्बा विधानसभा क्षेत्र का इलाका और यहाँ मतदान पूर्णिया में 26 अप्रैल को होनी है। मुकाबले के लिए तैयार हैं पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा। किसका पलड़ा मजबूत है इस बार के चुनाव में, कौन इस बार पूर्णिया जीत रहा है, जलालगढ़ की जनता से जानेंगे कि किस मुद्दे पर वोट हो रही है। देखिए ये सीमावर्ती इलाका है क्योंकि बगल में अररिया जिला का बॉर्डर लगता है और इस ओर पूर्णिया है, तो ये बॉर्डर पर जलालगढ़ है। जलालगढ़ के काली मंदिर चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जलालगढ़ ही। जलालगढ़ के रहने वाले हैं, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? मुद्दा इस बार मतलब पप्पू यादव 4 लाख वोट से पूर्णिया को जीत रहा है। संतोष कुशवाहा और बीमा भारती वो सब कहीं टक्कर में न है। तेजस्वी यादव आए हैं, तेजस्वी यादव आए चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, चुनाव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो बादुगंज के रहने वाले हैं। मैंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के। नहीं नहीं, हम लोग वहाँ से हैं। किशनगंज से। अच्छा, आप कहाँ? अररिया। अररिया के। आप? हम पूर्णिया के। कौन जीत रहा है पूर्णिया? पप्पू यादव जीतेगा, गरीबों का काम करता है। अररिया के। देखिए हमने आपको पहले बताया कि ये वो चौक है जहाँ पर ठीक बगल में ये बॉर्डर का इलाका है अररिया जिला का सीमावर्ती, इसके उस ओर जलालगढ़ के उस ओर अररिया जिला लगता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलालगढ़ के। पूर्णिया कौन जीत रहा है? पप्पू यादव। पप्पू यादव किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। काम करने वाले? हाँ, काम करने वाले, कर्मठ नेता है, नगल सिंह जब बुलाते हैं तब आता है। कोई संतोष कुशवाहा वो सब मैंने न रखा आने वाले नेता ना है, वो लोग मतलब चुनाव आता है तब। पप्पू यादव बहुत वोट से जीत रहे हैं। संतोष कुशवाहा पूर्णिया में रहते ना, जब चुनाव आते हैं तब लोग दिखते हैं। और ये बीमा भारती जानते हैं? बीमा भारती तो मतलब रुपोली की विधायक थी, तो मतलब इस बार चुनाव लड़ रही है। उनकी भूमिका क्या होगी बीमा भारती के चुनाव में? वो तो जनता तय करेगी। जनता तो आप लोग ही जनता है। हम लोग तो बोले पप्पू यादव सीधा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो अररिया के रहने वाले हैं। अररिया के रहने वाले हैं। पूर्णिया के इसमें कौन कौन से लोग हैं? आप लोग पूर्णिया के हैं? आप अररिया, आप कहाँ? पूर्णिया के हैं। हाँ, किस मुद्दे पर वोट हो रही है आज कल पूर्णिया में? अभी तक तो हम अभी वोट नहीं गिराए हैं। फर्स्ट टाइम देने वाले हैं। किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? किस मुद्दे पर? सब 10 साल से देखिए रहे हैं, सब खाली पार्टी बदल रहा है, इधर से उधर कुछ काम नहीं कर रहा है। अब पूर्णिया का धरती का पप्पू यादव है, अपना उसी को हम लोग वोट देंगे। पप्पू यादव के साथ। संतोष कुशवाहा के विकास के कामों को जानते हैं, कितना कुछ किया उन्होंने? किया संतोष कुशवाहा इधर अभी तक पता आया भी नहीं है। हम लोग का गांव है, ये मंदिर है, इसलिए सबको पता है, ना तो किसी को नहीं पता। इधर बगल में एक गाँव है, कभी भी कुछ कोई आया भी नहीं यहाँ पे घूमने के लिए भी नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो मुद्दा बता रहे हैं कि पप्पू यादव के मुद्दे पर नाम पर वोट करेंगे और फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं इस बार। पूर्णिया के आप लोग पूर्णिया के हैं? नहीं, हम लोग बाहर के अररिया के रहने वाले हैं। देखिए ये जो पूर्णिया का ये वो इलाका है जहाँ ठीक बगल में अररिया है और जलालगढ़, ये इस क्षेत्र का नाम है। और जलालगढ़ की जो जनता है इस वक्त जो चाय के दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और पीछे जाएंगे इस बोर्ड पर भी दिखा दीजिए, चाय नगर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लोगों की भीड़ इस वक्त शाम के समय में बता रही है। देखिए यहाँ पर जो और भी दुकानदार लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं इस बार? आप सोचा जाएगा मुद्दा क्या है? विकास का काम हुआ यहाँ? विकास का काम हमारी नज़र में तो नहीं हुआ है। पप्पू यादव को जानते हैं? पप्पू यादव को जानते हैं। कैसे नेता? हम तो बता नहीं सकते हैं। आप नहीं बता सकते? तो ये जलालगढ़ चौक के काली मंदिर चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पूर्णिया के चुनाव को लेकर जनता से ये जानने निकले हैं। देखिए ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि पूर्णिया में पिछले 10 सालों से JDU के MP हैं और JDU के कोटे से जो संतोष कुशवाहा चुनाव जीते,
इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। और खास तौर पर ये जो कस्बा विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और 7 लाख आबादी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जो है वो मुस्लिम वोटरों की है, तो इसमें कस्बा की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और बिहार सरकार में, महागठबंधन की सरकार में जो मंत्री रहे अफाक आलम जो है वो यहीं के MLA हैं, तो यहाँ पर महागठबंधन की भी एक बड़ी रणनीति है। तेजस्वी यादव भी इसी वजह से जो है वो कैंपेनिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तेजस्वी यादव तमाम लोगों से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश में है। बहरहाल पूर्णिया के जलालगढ़ की जनता को आप सुन रहे थे, इस बार पूर्णिया का सांसद कौन बनेगा। फिलहाल आप टीवी बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।